तो महात्माओं की युक्ति होती है, बहुत युक्ति से सारा वो काम कर लेते। उन्होंने शंकराचार्य जी ने बताया, सुखे नैव भवेद यस्मिन अजस्रम ब्रह्म चिंतनम आसनम तद विजानीयात नेतरत सुख नाशनम। अपरोक्षानुभूति ग्रंथ है उनका छोटा सा, उसका ये श्लोक है। उन्होंने कहा कि आप ये मत सोचो कि आपको कैसे, मतलब आप अब देखो प्रीति बैठी है, ये एक नया पोस्टर मिल गया। कैसे बैठ दिखाओ, हाथ में हाथ रख लीजिए आप यहाँ, ये देखो गुरु वो है ना, आविष्कार इन्होंने किया उसका। देखो नहीं नहीं बड़ा बड़ा नेचुरल है आप, लेकिन आपको जब ऐसे आप बैठ के अगर भजन हो रहा है, शंकराचार्य समर्थन कर रहे हैं कि जिसमें आप सुख पूर्वक भजन कर सको, सुखे नैव भवेद यस्मिन अजस्रम ब्रह्म चिंतन। अजस्र माने लगातार, ध्यान का अर्थ क्या है मैंने आपको बताया, ध्यान है कि कंटिन्यूटी, जो आपकी जो आप आपकी मनोवृत्ति लगातार वैसी बनी रहे, वही तो ध्यान है, उसी को मेडिटेशन उसी को कहते हैं। तो कहते अब आपको हम के अब इस तरह से जो आप फिर, लेकिन थोड़ी देर के लिए आप जब ऐसे बैठे हो फिर आप वही आप ऐसे कर लो, आप थोड़ी देर ऐसे हो जाओ, इससे क्या होगा, अब इधर इसमें आपका इधर इधर राइट साइड में आपका लीवर है और लेफ्ट साइड में आपका स्टोमक है, तो स्टोमक में अब ऐसे हमने थोड़ी देर के लिए किया तो हमारा जो जो कुछ हमारे पेट में जो था वो स्टोमक की ओर थोड़ा बाहर पड़ गया, तो ये एक बहुत अच्छा आसन है, और थोड़ा हमारी इस बाह के ऊपर जोर पड़ गया। अब इसमें फिर थोड़ा हम इधर गए तो ये थोड़ा लीवर के ऊपर हमारा ये बाहर पड़ गया, और इस तरह से बैठने से तो ये एक नया, कोई जरूरी नहीं है कि भाई वो आसन किताब में लिखे थे तो वही आपको करने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा किताब में जो नहीं लिखे उनको भी आप डेवलप कर सकते हैं। मैंने देखा कि कितना ही उसमें एक जो ये गुरु लोग जो होते हैं, बड़े लोग महात्मा लोग जो होते हैं, वो कोई आपको किताब थोड़ी, किताब तो आप बना लेते हैं। हम लोग वो हमारे कौन है वो बड़ी अच्छी मुझे लगती है एक लाइन, धूप में निकलो घटाओं में नहा कर देखो, जिंदगी क्या है किताबों को हटा कर देखो, धूप में निकलो घटाओं में नहा कर देखो। ये घटाओं में नहाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन क्या बात है, तो घटाओं में अगर नहाना किसी को आ जाए, पक्षी लोग हो सकता है जो बहुत ज्यादा ऊंचा उड़ते हैं वो लोग घटाओं में नहाते होंगे, हम तो कभी कभी अब प्लेन में जाते हैं तो बड़ा अच्छा तो लगता है लेकिन नहा नहीं पाते जिंदगी क्या है किताबों को हटाकर, किताब कई बार हमारे ऊपर बोझा बन जाती है तो वो जरूरत नहीं है। तो हमारा जो ये योगा मेडिटेशन है बिल्कुल सहज, और आपको पता है जैसे आप हैं बिल्कुल वही, आप जैसे हैं उस तरह से जियो, कोई बिना तकल्लुफ के। लेकिन हम लोग क्या है, फॉर्मेलिटी, विदाउट एनी फॉर्मेलिटी। अब पति पत्नी भी जब कई बार हमारे यहाँ तो कह देते हैं, जब घरवाली भी जब वैसे कहती इधर आओ, ये क्या तुमने लगा रखा, अब बेचारा बोर हो जाएगा हस्बैंड, जब रोज ही जब तकल्लुफ करेगी तो वो फिर वो जीवन चलता नहीं है। अगर सच देखो कि क्यों डाइवोर्स की नौबत आती है, कि जहां तकल्लुफ के लिए वहां पर हम तो कहते हैं भाई कोई, अब वो कहते हैं महाराज जी बड़ा हो गया तो कोई क्या हो रहा है, वो कोई बात नहीं, अब दिल तो है ही ऐसा, दिल तो दिल है, दिल का क्या कीजिएगा ना वो।
दिल अगर फूल सा नहीं होता, कोई कांटा चुभा नहीं होता। फूल, अब देखो मैं अभी किसी को बात कह रहा था टेलीफोन पर, किसी को बहुत परेशानी थी, मैंने कहा देखो गुलाब का फूल है, वो बेचारे के साथ में हमेशा कांटा रहता है और हम लोग उसको बहुत बढ़िया मानते हैं गुलाब के फूल को, लेकिन जीवन भर उस बेचारे के साथ में उसकी जड़ में ही एक कांटा, उसको जब जरा सा हवा हवा का झोंका आएगा और फूल ऐसे इधर को झुकेगा एकदम उसको वो कांटा उसको, अब कितना कोमल है वो फूल तो कांटा उसको, अब हम सोचे कि ये मेरा ये कांटा क्यों चुभाता है मेरे को, किसी का हस्बैंड चुभाता है, किसी की पत्नी चुभाती है कांटा, किसी का पड़ोसी चुभाता है, किसी का दोस्त चुभाता है कांटा, अब क्या करे, अब चुभता है तो क्या करे, लेकिन वो चुभता क्यों है वो क्या करे, मोस्टली केसेस में लड़कियों को 700 से कहती है। तो हमारा उद्देश्य यही है कि कांटा चुबाने वाले को नहीं रोकना है, क्योंकि वो सास का प्रॉब्लम नहीं है नहीं, ये तो देखो क्रिया, ब्रह्मा जी से पूछो तुमने ये काहे को बनाया, बताओ इतना बढ़िया है तुमने जो गुलाब का फूल बना दिया, काय को उसके साथ तुमने कांटा बिना मतलब में रख दिया, उसी उसी के साथ कांटा रख लगा दिया, वही वही कहते, लेकिन अब रहीम ने एक दोहा लिखा, कहे रहीम कैसे निभे बेर केर को संग, बेरा बेर और केला, आप कभी नेचुरल किसी जंगल में जाओ ना, मैंने बहुत जंगलों में जा मैं देखा जो नेचुरल, अब माली तो चलो यहाँ हमारे यहाँ लगाता है, चलो माली तो बेर के पेड़ को लगाता ही नहीं है, वो कांटे वाला है, बोले इसको नहीं लगा, बेर चलो बेर को कई लोग नहीं लगाते, लेकिन अब जहाँ बेर के वन है वहां तो, लेकिन जंगल में वहां होता है कि जहां पर बेर का पेड़ होगा वहीं केला हो जाएगा, बड़ा विचित्र है नेचुरल जहाँ जंगल होता है स्वाभाविक, कई बार हमने ऐसे जंगल हमने बहुत देखे और बेर है और बगल में केला है, लेकिन क्या होता है, तो रहीम ने सोचा होगा, रहीम जंगल में रहे महात्मा थे, कहे रहीम कैसे निभे बेर केर को संग, कैसे निभे विचार, क्यों केला का स्वभाव अलग है और बेर का स्वभाव अलग है, अब केला है तो केला को हिलना है, केले के अब पत्ता जानते हो बड़ा कोमल होता है केले का, और बेर साथ में लगाई हुआ है, बेर की जो बेर का कांटा है वो वैसा कांटा होता है, और जब जैसे ही केले का पत्ता हिलेगा वही, कहे रहीम कैसे निभे बेर केर को संग, वह हालत रस आपने वाके भारत अंग, वो बेचारा वो तो अपने अपने रस में हिलता है केला, लेकिन वो जो बेर है बेर वो उसको जाकर उसको ऐसे करके और ऐसे कर वो बेचारा फट जाता है, उसके अंगों को फाड़ देता है। तो ये मैं कहना मैं क्या चाहता हूं कि प्रकृति में जो है वो ऐसे ही रहेगा, वो सास ससुर का स्वभाव बदलने वाला नहीं है। यह जो जिस हस्बैंड ने कसम खाई है वो बदलने वाला नहीं है, बदल जाए भगवान करे वो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन पहले वो बदलेगा बाद में, पहले आपको बदलना है कांटा बन के रहो, तो पूछेगा बनो।